आसियान भारत समिट में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से मुलाकात की। आसियान समिट में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा हर क्षेत्र में मिलकर कर रहे हैं काम, एक पारिवारिक भविष्य हमारा मंत्र। आसियान समिट में पीएम मोदी ने कहा कि भारत आसियान के संबंध और मजबूत होंगे, मानव कल्याण के लिए सबकी कोशिश हो। इंडोनेशिया में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ, जकार्ता कन्वेंशन सेंटर पहुंचने पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। आसियान समिट में शामिल सभी देशों के नेताओं से मिले प्रधानमंत्री, एक साथ सभी ने खिंचवाई ग्रुप फोटो। जकार्ता के होटल रिस कार्टन में भारतीय समुदाय के लोगों ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम, प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाकर लोगों का अभिवादन किया। जकार्ता में मोदी और भारत माता की जय के नारे भी सुनाई पड़े, बच्चों से भी मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आसियान भारत समिट में शामिल होने के बाद आज ही सुबह 11:30 बजे जकार्ता से रवाना होंगे, शाम 6:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। G20 की वजह से सिर्फ 9 घंटे का दौरा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के डिनर पार्टी में शामिल हुए आसियान समिट के नेता, कई कलाकारों ने मंच पर दी प्रस्तुति। कल भारत आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, दिल्ली में होने वाली G20 समिट में हिस्सा लेंगे। G20 की मेजबानी पर अमेरिका ने दी है बधाई, पीएम मोदी की सराहना भी की, कहा कि पीएम मोदी के साथ कई और मुद्दों पर भी होगी बात। G20 को लेकर अमेरिका का बयान, कहा पूरे इंडो पैसिफिक में सुरक्षा, आर्थिक और राजनयिक चुनौतियों के बारे में होगी चर्चा। 8 सितंबर यानी कल भारत आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, रात करीब 9 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, 8 सितंबर के दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। G20 समिट में 8 सितंबर को 3 देश के नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 देशों के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। भारत आने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान आया सामने, बोले G20 की अध्यक्षता के लिए भारत सही समय पर सही देश। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान आया सामने, कहा कि भारतीय मूल और हिंदू होने का मुझको गर्व है, भारत के साथ वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए हिंदुस्तान तैयार, 150 से अधिक वैरायटी के पान किए गए हैं तैयार। G20 शिखर समिट के लिए दिल्ली की सभी ऐतिहासिक इमारतों पर खास सजावट है, कुतुब मीनार को लेजर लाइट से सजा दिया गया है। G20 समिट के लिए दिल्ली में शानदार तैयारियां, सड़कों के आसपास लगाई गई है सुंदर लाइट्स, जगह जगह G20 समिट के लिए बैनर्स लगाए गए हैं। G20 समिट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी सजा दिया गया, खूबसूरती से तिरंगे की रोशनी से जगमगा गई है पूरी इमारत। G20 के मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में परोसा जाएगा खाना, भारतीय संस्कृति और विरासत की दिखेगी झलक। शिखर सम्मेलन से पहले G20 नेताओं के स्केच बनाकर लगाए गए प्रदर्शनी की तस्वीरें आई है सामने। G20 के लिए दिल्ली में सुरक्षा का कड़ा पहरा, रेलवे ने 140 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया है। G20 समिट को देखते हुए DMRC ने लिया बड़ा फैसला, सुबह 4 से शुरू हो जाएगी मेट्रो की सेवाएं दिल्ली में। संसद के विशेष सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा कराए जाने की मांग की है। सोनिया गांधी की चिट्ठी का संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जवाब, प्रहलाद जोशी ने कहा कि बेवजह विवाद करने की कोशिश हो रही है। प्रहलाद जोशी के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पलटवार, कहा जनता को गुमराह करने की कोशिश सत्र का एजेंडा बताए सरकार। इंडिया बनाम भारत पर उमर अब्दुल्ला का बयान आया सामने, कहा गठबंधन की वजह से बदल रहे नाम, हम अपने गठबंधन का नाम बदल देंगे। सनातन धर्म पर भड़के डीएमके सांसद ए राजा, कहा सभी कैबिनेट मंत्रियों के जवाब देने के लिए तैयार, मैं समझाऊंगा कि सनातन धर्म कैसा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले जब तक समाज में भेदभाव तब तक आरक्षण रहना चाहिए। अखंड भारत पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा आपके बूढ़े होने से पहले बन जाएगा अखंड भारत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों पर एक्शन की तैयारी, DGP बोले संपत्तियों की जा रही है जब्ती, अब तक 3 आतंकी भी मारे गए हैं। बांके बिहारी मंदिर की जमीन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई इस मामले में। मणिपुर के बिष्णुपुर में फिर हिंसा, सुरक्षा बलों के साथ मैतेई समुदाय के लोगों की हुई झड़प, स्थानीय लोगों का दावा रैली को रोकने के लिए की गई फायरिंग।
पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी का इसरो के वैज्ञानिकों ने किया दौरा। रैगिंग पर रोक लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुझाव दिया। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज। 15 जगहों पर भक्तों के खाने का और मेडिकल सुविधा का इंतजाम। उत्तराखंड में अगले 3 दिन तक भारी बरसात के आसार। कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कृष्णा जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में शानदार सजावट, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया मंदिर। जन्माष्टमी पर भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है। उज्जैन में लोगों ने की श्री कृष्ण की पूजा। मुंबई में दही हांडी उत्सव की धूम। गोविंदाओं ने धूमधाम से मनाया जन्माष्टमी का त्योहार। यूपी के मुरादाबाद में जन्माष्टमी का जश्न। पूजा पांडाल में कला के माध्यम से चंद्रयान 3 और केदारनाथ को दर्शा दिया गया। यूपी के बाराबंकी में बस ने ट्रक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, कई यात्री घायल हुए हैं। यूपी के अमरोहा में जर्जर मकान गिरने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग घायल, इलाज जारी। यूपी के कानपुर में पुलिस को कार में मिला चांदी का खजाना, वाहन चेकिंग के दौरान हुआ बरामद। राजस्थान के बूंदी में वैन में लगी भीषण आग, लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, किसी की हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के कानपुर में पति ने की अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या, 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। बिहार के गोपालगंज में कार से 40 किलो गांजा मिला है। बंगाल से बिहार जा रहा था ड्रग्स, 10 लाख रुपए आंकी गई इसकी कीमत। दिल्ली के JNU कैंपस में छात्रों ने दिव्यांग छात्र के साथ मारपीट कर दी, हॉस्टल खाली करवाने को लेकर विवाद हुआ, घायल छात्र का इलाज जारी। यूपी के इटावा में कार में स्टंट करते युवक का वीडियो हो रहा है वायरल, SSP ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच के लिए आदेश दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की 3री कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरेन जीन पियरे ने दी इसकी जानकारी। ग्रीस में कुदरत ने बरपाया कहर, बाढ़ की ड्रोन तस्वीरों में चारों तरफ दिख रहा है तबाही का मंजर। ग्रीस के बाढ़ से मच गया हाहाकार, पानी में डूबी दिखी कई गाड़ियां, जनजीवन पर असर। ग्रीस में तूफान डेनियल के कहर से हालात बद से बदतर, बाढ़ की चपेट में आ जाने की वजह से 3 लोगों की मौत, 4 लोग अब भी लापता। ब्राजील में चक्रवाती तूफान कतांडा 31 की मौत, 1600 से ज्यादा लोग बेघर हुए। तुर्की के इस्तांबुल में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में भी घुसा पानी, चपेट में आ जाने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। रूस ने फिर किया यूक्रेन पर अटैक, पूर्वी यूक्रेन में एक शहर को बनाया निशाना, 17 की मौत, कई घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की रूसी हमले की निंदा, कहा रूस को जल्द से जल्द हराना होगा। डेनमार्क के पीएम ने भी की रूसी अटैक की निंदा, युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार बताया। एशिया कप के पहले सुपर 4 मैच में जीता पाकिस्तान, बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, इमाम उल हक और मोहम्मद रिजवान ने खेली शानदार पारी। मैच फिक्सिंग के आरोप में श्रीलंका के क्रिकेटर सचित्र सेना नायक गिरफ्तार, 2 खिलाड़ियों को ऑफर देने का आरोप इन पर। वनडे वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, पैट कमिंस कप्तान, सीन अबॉट भी टीम में, लाबुशेन का नाम नहीं। Z News.